आज मैं आपको संवत 2079 के भविष्यवाणी करने के लिए आई हूँ, जो कि हमारी संवत हमारा जो चैत्र के नवरात्रे हैं वह हमारे 1 अप्रैल से शुरू, और नया साल हमारा जो शुरू हो रहा है अंग्रेजी का वह हमारा 1 जनवरी 2022 से, हम इसको बोलते हैं 2022, और उसमें हमारी संवत आएगी 2079। तो पिछली संवत हमारी थी टोटल अंक विद्या के हिसाब से 8 और अगली हमारी आएगी 9। तो अब 9 जो नंबर है वह मंगल अंक विद्या के, और अगर हम काल पुरुष की पत्री देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारा राहु जो है वह मेष राशि में प्रवेश करेगा 12 अप्रैल, और 28 अप्रैल को हमारा शनि भी कुंभ राशि में आ जाएगा और राहु हमारे मीन राशि। तो ये शनि का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन और बृहस्पति का परिवर्तन, यह हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला। अगर आप काल पुरुष के हिसाब से देखते हैं तो हमारा जो राहु है वह 1 नंबर लगन में आ जाए, और 1 नंबर लगन में आने से वह 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि सूर्य के घर में कारक योग, 7वीं दृष्टि बिजनेस पार्टनर स्पाउस इसको देखेगा, 9वीं दृष्टि हमारी वो भाग्य को देखेगा। भाग्य में नंबर है 9, काल पुरुष के हिसाब से 9 नंबर है। अब बृहस्पति का नंबर जो है वह धार्मिक है, तो राहु जो है जहाँ भी दृष्टि देखता है वहाँ पे उत्पात मचा, और राहु के परिवर्तन होने से, शनि के परिवर्तन होने से पहले 2-3 महीने पहले हमारे को इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाए। तो अब जो ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से राहु लगन में आएगा तो एक तो ये बुद्धि को बहुत उग्र कर देगा, आउट ऑफ कंट्रोल हमारी बुद्धि हो जाएगी क्योंकि अंगारक योग बनेगा, वहाँ पे सूर्य की राशि है। 7वां पाउस के साथ, बिजनेस के साथ, पार्टनरशिप के साथ लोगों के लड़ाई झगड़े, पार्टनर में कुछ आपस में मतभेद और कुछ ऐसी स्थितियां बनाएगा। और जब ये नवम दृष्टि भाग्य को देखेगा तो वहाँ पे 9 नंबर की राशि धर्म की है, तो यह धर्म के युद्ध कराएगा, कारण धर्म का बनेगा युद्ध, क्योंकि भाग्य स्थान में 9 नंबर की राशि बृहस्पति की धर्म के होने के करके राहु जो भी हमारे धर्म के हिंदू मुस्लिम में, सिखों में, हिंदुओं में, ये ऐसी लड़ाई कराने की पूरी चेष्टा संभावना है, और उसका असर हमारे को 18 दिसंबर से शुरू हो गया, जो हमारे पंजाब के 2 गुरुद्वारों में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, यह आपको सबको मालूम ही हो। और धर्म के नाम से जो अब ये युद्ध होगा यह राहु की प्रवृत्ति से होगा, और 12 अप्रैल से यह घटनाएं आपको अधिक देखने। तो मेरा ये YouTube बनाने का मतलब ये था कि जो राहु है यह अचानक वारदात करता है, मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बोला है, यह अचानक वारदात करता है, छुपे हुए राज खोलता है और छुपे हुए ही कार्य करता है, आतंकवादियों जैसे आतंकवादियों का हमला हो जाना, धर्म पे हमला हो जाना, यह सारी घटनाएं राहु की जो है 2022 में यह आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि मैं अपनी पिछली भी वीडियो में कई बारी बोल चुकी हूँ, राहु छुपे हुए कार्य, अचानक वारदात, अचानक लड़ाई झगड़ा, अचानक अगजनी की घटनाएं कर देना, बुद्धि को यह निरंतर में नहीं रखता। तो मेरा आप सबसे यह यूट्यूब पे आने का सिर्फ एक ही कारण था कि जिनको राहु की दशा अंतर प्रत्यंतर या उनके नक्षत्र राहु वाले हैं उनके ऊपर भी इसका ज्यादा इफेक्ट होगा, और उनकी बुद्धि में कंट्रोल नहीं रहेगा और लड़ाई झगड़े के लिए वह बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली को अपने आचारस से अवलोकन कराते हैं और उसमें आप देखते हैं कि आपका कुंडली में राहु का कोई नक्षत्र, आपका जो कोई ग्रह है वो राहु के नक्षत्र में तो नहीं है, या राहु की आपको दशा तो नहीं चल रही, या उसका अंतर या प्रत्यंतर तो नहीं चल रहा। अगर किसी का ग्रह राहु के नक्षत्र में हुआ तो भी उसको यह राहु का फल अवश्य मिले, क्योंकि मैं अपनी हमेशा YouTube पे बोलती हूँ कि जो हमारे कुंडली के ग्रह होते हैं वह किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं, और उसके नक्षत्र के चरण भी होते हैं, और नक्षत्र के चरण होने से वह जो कार्य करता है वैसा ही कार्य करता है जैसे राहु कार्य करता है। अगर आपका ग्रह राहु के नक्षत्र में है
तो वो राहु वाला कार्य करेगा अगर आपको दशा अंतर प्रत्यंतर भी उसका चल रहा होगा तो। अगर आपको उसका अंतर प्रत्यंतर या गोचर में आपको राहु का कुछ नहीं चल रहा तो आपके ऊपर राहु कुछ भी कार्य ऐसा नहीं करेगा। हाँ, जो देश के साथ घटनाएं होंगी या जो जिनके साथ ये घटनाएं होंगी उनको इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरा YouTube पे आने का बताने का सिर्फ यही कारण होता है कि जब भी कोई ग्रह नक्षत्र चेंज करने वाला होता है तो मैं आके अपने व्यूवर्स को पहले ही बता देती हूँ कि वह अपने आचार्य को अपनी पत्री दिखा के उसका लाभ उठा सके। क्योंकि अब जब ये राहु परिवर्तन होगा 12 अप्रैल से, उसकी जो घटनाएं हैं 3 महीने पहले शुरू हो गई। 18-20 अप्रैल से धर्म के नाम से आपने पंजाब में झगड़े देख लिए, अभी आगे और भी आप देखेंगे कि धर्म के नाम से, धर्म की आड़ में लोग कुछ ऐसी घटनाएं करेंगे। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी, आप ना इस झगड़े में जाएं और ना ही आप इस झगड़े में खड़े हों। क्योंकि राहु एक ऐसा बहुरूपिया है कि अगर आपका मीडिया में आपका फेस भी आ गया और आपको अंतर प्रत्यंतर चल रहा हुआ तो आप बेमतलब रस्सी के सांप में फंस जाएंगे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आप सबको राशि के हिसाब से आपका भविष्य राशिफल बताऊंगी, लेकिन हमारी संवत जो है 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से 15 दिन पहले मैं अपने व्यूवर्स को 12 की 12 राशियों का फल बताऊंगी और मैं उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि जब मेरी देश के ऊपर भविष्यवाणियां सत्य होती हैं तो मेरी भोले से और गणपति से एक ही प्रार्थना है कि जो मैं यह सबका वर्षफल बताऊंगी, यह वर्षफल होगा आपका पूरे साल का 2022 से लेकर 2023 की अप्रैल तक का, तो आप देखिए आपके साथ वो घटनाएं अवश्य घटेंगी या उसका आपको अवश्य लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं इसके अंदर नक्षत्र की भी गणना कर रही हूँ, योग की भी गणना कर रही हूँ, न्यूमरोलॉजी की भी गणना कर रही हूँ, ग्रह दशा अंतर प्रत्यंतर की भी गणना कर रही हूँ। और इतनी मेहनत से मैं आपको यह जो राशिफल दूंगी और उसके ऊपर आप लोग कमेंट्स में जरूर मुझे लिख के बताएंगे कि आपके साथ वह घटनाएं घटी, आपको लाभ हुआ या आपको नुकसान हुआ, या आपकी शादी हुई या आपके घर में संतान उत्पन्न हुई, जो जो जिसके भी वर्षफल में आएगा वह उसके साथ घटना अवश्य घटेगी। क्योंकि मैं जब नक्षत्रों के साथ, योग के साथ और ग्रहों की गणना के साथ और दशा अंतर प्रत्यंतर के साथ मैं इसकी गणना करूंगी तो उसका लाभ और हानि का आपको अवश्य पता लग जाएगा और उससे आप सचेत भी हो जाएंगे। मेरे आपको ये YouTube पे आज आने का यही मतलब था कि मैं जनवरी से, 1 जनवरी से किसी का भी भविष्य फल का घटित नहीं करूंगी। क्योंकि यह अंग्रेजी का साल है, हमारा साल जो होता है अप्रैल से लेके अप्रैल तक होता है या मार्च से मार्च तक, जब से चैत्र के नवरात्रे शुरू होते हैं और उन नवरात्रों से पहले 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मैं 12 की 12 राशियों का फलित करूंगी और उसका फलित करके आपको सारे फलित बताऊंगी। अगर किसी को ग्रह गोचर में, दशा में, अंतर में लाभ होने की संभावना नहीं दिख रही या आपको उसका नुकसान होने की संभावना दिख रही है, उसके मैं आपको उपाय भी बताऊंगी जिससे कि आपको खुद वो उपाय करके आपको उसका लाभ मिलेगा। छोटे छोटे उपाय होते हैं और वो छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो अवश्य आपको उसका लाभ मिलेगा। तो मेरा आज YouTube पे आने का सिर्फ यही मतलब था कि जो ये 4 नंबर 2022 का आ रहा है तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। मैं अपने भाइयों से, अपने जो मेरे बेटों के समान है उनसे, जो मेरे से बड़े हैं उनसे सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखें और बहुत ज्यादा उग्र ना हो। कोई भी अगर आपको आसपास घटना ऐसी दिखती है तो आपके पास में नियर में पुलिस स्टेशन है, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ गलत गतिविधियां दिखती हैं तो। और आपके पास पुलिस का नंबर भी है, आप पुलिस को फोन करके भी आप उनको सचेत कर सकते हैं, लेकिन आप उस अग्नि में ना कूदें।
जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। सिर्फ मेरा आपको आज ये वीडियो बनाने का यही मतलब था। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे जो भी मेरी वीडियो बने वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसके बाद अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं, सरकार की गाइडलाइंस पे चलते हैं, तो मुझे इतना पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, हम कोरोना को हरा देंगे, कोरोना हमें नहीं हरा पाएगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सरकार की गाइडलाइंस पे चलिए, मास्क लगाइए और कितना जितना भी हो सके उतना कम से कम बाहर निकलिए, भीड़ में मत जाइए। और आप अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का भी और अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें। आप और आपका परिवार खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। मेरी प्रभु से, भोले से, मेरे इष्ट से, मेरे सभी देवताओं से यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने घर में खुशी खुशी नया साल, ये पीक का पीरियड होगा,